चलो फिर आप आगे चैप्टर करिए, छोटा चैप्टर है, कर लिए बड़ा जाए। लो भी आप आज चैप्टर कर दे हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम च भी कुछ नहीं, उही गल है, ट्रेन वाली गल ही है। ठीक है, जरा तुम कर लिया, निबड़ गया मेन काम तो निबड़ गया, छोटा जहा कंसैप्ट है कुछ नहीं ये। ठीक है, दो के गल्ला सीखने तुसी बस। ठीक है, मैं कहा मैंज स्पीड इन स्टिल वाटर, इन तुसी एक्स ही मनना है, एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक है, फिर मैं कहा स्पीड ऑफ करंट, इन तुसी हमेशा वाई ही मनना है। ओके ओके जी, फिर एक होंदा है डाउन स्ट्रीम, यह होंदा है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। फिर एक होंदा है अपस्ट्रीम, यह होंदा है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है ठीक है, यह बस आ चार गल्लां ने, होर कुछ नहीं, चैप्टर थोड़ा खत्म है। की है ये, पिछली बार तुसी पिछले चैप्टर च तुसी ट्रेना भजाइया सीगिया। ठीक है, कादे चलाई सी तुसी ट्रेन, भाई पटड़ी से चलूगी ट्रेन, ऐसी तुसी बोट भजानी है किश्ती। हुण किश्ती कादे च चलूगी, भाई पानी ते चलूगी। ठीक है, हुण ये पहली चीज की है, मैनज स्पीड इन स्टिल वाटर, भाई मैन की स्पीड, उरे मैन मैन कर लो, मैन स्पीड की स्टिल वाटर, जो पानी रुकया है, जो पानी खड़ा है, पानी का फ्लो कोई है नहीं। ठीक है, फिर पानी यदि बंदे की स्पीड किन्नी होगी, तुसी एक्स किलोमीटर पर आ रही मननी है। ठीक है ठीक है, तो स्पीड ऑफ करंट की है, करंट मतलब पानी का वहा, भी पानी भी चल रहा होंगे, इधरले पासे जा रहा जा सकता है, इधरले पासे भी बह सकता है। ठीक है, वो इच्छा है पानी की, तो उन्होंने तुम वाई किलोमीटर मनना है पर आर। ठीक है, हुण डाउन स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम की है, भाई की होंगे, पिछले चैप्टर जो तुसी की करया सीगा, जो ट्रेन ओपोजिट डायरेक्शन में आउंदे सी तां तुसी रिलेटिव वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी सी तुसी ऐड कर देंदे सी, है ना, वी वन प्लस वी टू कर देंदे सी, जे सेम डायरेक्शन सी फिर तुसी वी वन माइनस वी टू कर देंदे सी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी घटा देंदे सी दोनों ट्रेनों की। एर की इहदे विच की है, इह इदां हैगा, डाउन स्ट्रीम समझो की है, पानी बह रहा है इधरले पासे, बह रहा है इधरले पासे। ठीक है, ते तुसी किश्ती लैके बैठे हो आसे, ते तुसी किश्ती च भी चप्पू इधरले पासे ही मार रहे हो। ठीक है, सोडी स्पीड जे एक्स है ते पानी दी स्पीड वाई है, मतलब तुसी वहा केड़े वाले, पानी दे वहा वाले पासे ही तुसी किश्ती चला रहे हो, तो की होगी, सोडी स्पीड ते पानी दी स्पीड ऐड हो जूगी। ठीक है, जे पानी 20 किलोमीटर स्पीड से भज रहा है ते तुसी किश्ती भी 10 किलोमीटर पर आर दी स्पीड से चलाई जाने हो, तो यह जो पानी उत्ते थोड़ी किश्ती, तो पानी उपर है ना, तो यह पानी थोड़ी किश्ती नू अगे धक्कूगा, तो थोड़ी स्पीड ते पानी दी स्पीड की हो जू, ऐड हो जू, तो रैलेटिव वेलोसिटी की आ जू, इहदे विच 20 ते 10 30 आऊगी, इहनू की कहिंदे ने, डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, जिहड़े पासे पानी वग रहा है उसे पासे ही तुसी किश्ती भजा रहे हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन दे विच डाउन स्ट्रीम हुंदा। अप स्ट्रीम की है, बई यही पानी जे इधर नू वग रहा है, ठीक है, फिर तुसी ढीठ हो, तुसी कहिंदे किश्ती तां मैं इधरले पासे चलानी है। ठीक है, तो पानी सानू इधरले पासे धक्कूगा, थोड़ी किश्ती सानू इधरले पासे धक्कूगी, जे पानी दी स्पीड हैगी 20 किलोमीटर पर आर, थोड़ी हैगी 30 किलोमीटर पर आर, तो रैलेटिव वेलोसिटी किन्नी हो जूगी, 30 तो 20 घट के 10 किलोमीटर पर आर रह जूगी। ठीक है, इहनू की कहिंदे ने, अप स्ट्रीम कहिंदे ने एक्स माइनस वाई नू। ठीक है, समझे गल, भी बस इन्नी की गल है, फिर आप सवाल कर देंगे। ठीक है, बंदे की स्पीड जो पानी खड़ा है तो उसे कल्ले किश्ती लैके तुर पे, फिर तुसी एक्स है, जे कल्ला पानी की स्पीड है तो वाई है, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई है, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, बस और कुछ नहीं। ठीक है, रवि कहना, हाँ जी अनुराधा क्लियर है, सुमित ओके, ठीक है, चलो आप फिर सवाल कर दें, और कुछ नहीं है, सारा कंसैप्ट बाकी सेम है। ठीक है, भी कोई नवी गल नहीं। कहना एग्जाम्पल फर्स्ट, ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आर। अप स्ट्रीम सानू पता भी एक्स माइनस वाई हुंदा है, ठीक है, किन्नी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आर दे रखी है, एंड डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर पर आर। डाउन स्ट्रीम की हुंदा है, दोहां स्पीड का जोड़, मतलब एक्स प्लस वाई किन्ना,
16 किलोमीटर पर आर दे रखे है, ठीक है ठीक है। कहना फाइंड द मैनज रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। मैन रेट इन स्टिल वाटर मतलब एक तो एक्स पूछता है ते रेट ऑफ करंट मतलब एक वाई पूछता है, एक्स ते वाई दी वैल्यू पूछ रहा है। बस हो गया, एक्स माइनस वाई दी वैल्यू आसे एक्स प्लस वाई दी वैल्यू आसे, बस दो ही कटा दो, दो एक्स बराबर 26 दे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो, इनू ए जा ये पुट कर दो, कि आजगा 3 आजगा, लो भी बंदे की बोट की स्पीड आ गई 13 तो पानी की स्पीड आ गई 3, बस सिंपल है, ठीक है, कोई चक्कर वाली गल है नहीं। सैकेंड सम कहना ए मैन स्विमर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाता भी एक्स प्लस वाई जाता है 30 किलोमीटर, बे तो डिस्टेंस देता 30 किलोमीटर जाता, स्पीड नहीं दिती, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम मतलब उल्ट जाता कि 18 किलोमीटर जाता है। टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम, डाउन स्ट्रीम वेले भी 3 घंटे, अप स्ट्रीम वेले भी 3 घंटे, तो तुम ये तो स्पीड कर लो भी डिवाइड बाय थ्री, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आर, तो अप स्ट्रीम की कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आर। कहना व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ करंट, करंट मतलब की पूछा भी वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है ठीक है। बस एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स माइनस वाई 16 है, बस कटा दो भी, वाई नाल वाई गया 2x बराबर कितने आ जाऊ 10 6 16 दे, एक्स की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ये वैल्यू हूँ ये पुट कर दो जो ये पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू आजगी, वैसे वाई की वैल्यू पूछी, हाँ वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है, किन्नी आजगी 2 आजगी, बस 2 आंसर है, ठीक है भी, ठीक है, सिंपल है, कोई खास गल है नहीं। ओके ओके अच्छा तीजा सवाल कहना ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर खड़े पानी बंदे की स्पीड मतलब की दे रखे है बई एक्स दे रखे है, ठीक है ना, चुप करके उही चीज चक लो। इफ सॉरी इफ नहीं इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लोंग टू रो अप एज टू रो डाउन इन द रिवर। अच्छा फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब भी की पूछा है y की वैल्यू पूछी है। हुण आ सेकंड लाइन दे विच की कह गया, कहिंदा इहनां दी च हो गया, ठीक है, पानी मान लो इधरले पासे जा रहा है, जा रही, ठीक है, ते तुसीं किश्ती इधरले पासे लैके जानी है, ठीक है। कहिंदा ट्वाइस एज उहनूं टाइम किन्ना लग्गिया, ट्वाइस एज लोंग टू रो अप, मतलब जे पानी इधर जा रहा है ते उहदी किश्ती इधर जा रही है तो उन्होंने दुगना समा लगता है, ठीक है। जे वह डाउन स्ट्रीम जा रहा मतलब पानी भी इधर जा रहा है तो बोट भी इधर लैके जा रहा तो उन्होंने समा घट लग रहा है, एक लग रहा होगा, ठीक है ना। अप स्ट्रीम के टाइम ओबियसली ज़्यादा लगू भी, स्पीड घटूगी थोड़ी, ठीक है। तो तुम सीधी जी गल है जो टाइम डाउन स्ट्रीम तो टाइम अप स्ट्रीम की गल करा तो कि आजू भी टाउन सॉरी टाइम डाउन स्ट्रीम सू एक लग्या तो अप स्ट्रीम कि लग्या हो दो लग्या होगा, यही गल कहता ने भी ये, ठीक है। टाइम की रेशो यह है तो विलोसिटी डाउन स्ट्रीम तो विलोसिटी अप स्ट्रीम किन्नी होगी भी उल्ट हो, क्योंकि की है भी डिस्टेंस तो सेम ही है ना, उन्नी दूरी पर जाना उन्नी दूरी पर मुड़ना है। याद है ना भी पिछले चैप्टर यही करा सी, पिछले चैप्टर आप V1/V2 T1/T2 इदा कर देंगे सी, ठीक है। ऐसी डाउन स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम लगाया गा और कुछ नहीं, ठीक है। लो भी विलोसिटी डाउन स्ट्रीम तो विलोसिटी अप स्ट्रीम दो रेशो एक आ गई, हुण विलोसिटी डाउन स्ट्रीम कितनी होंदी है असल दे विच एक्स प्लस वाई होंदी है ना, ठीक है। तो अप स्ट्रीम की होंदी है एक्स माइनस वाई होंदी है, दो बराबर एक दे, ठीक है। एक्स की वैल्यू सानू पता 6, तो इत्थे 6 भर दो भी 6 6, बस सोल्व करो वाई की वैल्यू आ गई यार होर की 12 वाई इधर आ गया 3 6 वाई की वैल्यू आ गई 2 भाई 2 किलोमीटर पर आर स्पीड आ गई करंट की, ठीक है भी क्लीयर है। यह जे पेपर च पाऊगा तो यह जहाँ पाऊगा, बोलो भी क्लीयर है। अनुराधा ने आंसर दिता, ठीक है अनुराधा, बाकी जने बोलो। हाँ जी सर क्लीयर है चिंटू मैं, ओके भी चिंटू, बाकी जने भी मैसेज ला रहे भी की गल रवि, हाँ जी ठीक है रवि का, तो सुमित ने भी दसता, ओके भी ठीक है। तीजा सवाल हो गया, चौथा सवाल
देखो भाई, ए मैन रो 6 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर, मतलब की देता भाई, है भाई की देता, एक्स देता, है ना, क्लियर होगी गल नूं तां। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 1.2 किलोमीटर पर आर, रिवर रनिंग मतलब पानी दी स्पीड देती, मतलब सानू वाई भी देता किन्ना, 1.2 किलोमीटर पर आर, ठीक है। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। अच्छा बया नदी सी, इथों तो लैके इथे जाना सी उन्हें, ये गया ते वापिस मुड़े आया, आन ते जान दा टोटल समा 1 घंटा लग गया उन्हों, ठीक है। कहना हाउ फार इज द प्लेस, आ दूरी दसो भी, आ डिस्टेंस किन्ना होगा, ठीक है भी दस दिने। लो भाई फिर वही गल, डिस्टेंस सेम है तो मैं विलोसिटी डाउनस्ट्रीम विलोसिटी अपस्ट्रीम की गल करा, बई डाउनस्ट्रीम किन्नी हो, एक्स प्लस वाई हो, 6 ते 1.2 7.2, ठीक है। अपस्ट्रीम विच की होगा, यह दोहे घट जाएंगे, किन्ना जो 4.8 आ जू, ठीक है, कट दो बस, पॉइंट लाई पहुंच गया, 12 चौ 48, 12 छिका 72, ये होर कट्टा जाओ भी, 3:2 आ गया, ठीक है। विलोसिटी यह है, तो टाइम की रेशो, टाइम डाउनस्ट्रीम तो टाइम अपस्ट्रीम किन्ना होगा, उल्ट होंगे भी, 2:3 हो। टाइम डाउनस्ट्रीम मतलब जान वेले, डाउनस्ट्रीम वेले 2 हिस्से लगे तो अपस्ट्रीम वेले 3 हिस्से लगे, उन्हें टोटल समा दे रखा किन्ना, जान ते आन दा 1 घंटा, तो टोटल हिस्से किन्ने हो गए, 5 हिस्से, 5 हिस्से बराबर 1 घंटे दे, तो 1 हिस्सा बराबर 1/5 घंटे दे, तो टाइम कर लो डाउनस्ट्रीम दा, टाइम डाउनस्ट्रीम किन्ना भी, किन्ने हिस्से ने, 2 हिस्से, तो 2 हिस्से कर लो किन्ना आ गया, 2/5 घंटे। हुण याद होवे सानूं भी डिस्टेंस किवें कढ़दे सी, वी वन इंटू वी टू करदे सी ना, बस इत्थे की है, विलोसिटी डाउनस्ट्रीम इंटू विलो सॉरी टाइम डाउनस्ट्रीम, विलोसिटी डाउनस्ट्रीम की किन्नी सी भी 7.2 सी, टाइम किन्ना लग्या, 2/5 लग्या, बस गुणा मारो यार की आंसर है, ठीक है। ठीक है जी, ये पॉइंट है जी, आऊगा यार, है ना, 1/10 ला लो, कट्टिया तो कुछ जाता नहीं गा, है ये कर करा के सोनू पॉइंट है जो 2.88 किलोमीटर आ जाऊगा, ठीक है भी, क्लियर है। अनुराधा ने आंसर दिया, अनुराधा शाबाश, ठीक है भी। सेम सवाल ही है पिछले नाल दा, बस आप इतने आह चीज नवी कर रहे हैं भी, हाँ डाउन स्ट्रीम वेले दोहे जोड़ते हैं, अपस्ट्रीम वेले दोहे घटाती, होर कुछ नहीं। 5 नंबर सवाल चलते हैं, कहना ए मैन कैन रो 7 किलोमीटर आर इन स्टिल वाटर, फिर वही गल भी, स्टिल वाटर है सानू पता है एक्स दे रखे 7 किलोमीटर पर आर, ठीक है। इन ए स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग 3 किलोमीटर पर आर, स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब वाई सानू देता किन्नी स्पीड है भी, 3 किलोमीटर पर आर। इट टेक्स हिम 7 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस, सेम डिटो सवाल अभी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं ना, है ना, जान ते आन दा टोटल समा 7 घंटे है, फिर वही गल भी डिस्टेंस तो सेम है, तो विलोसिटी डाउन स्ट्रीम विलोसिटी अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वेले की हो दोहां दा जोड़ 7 ते 3 10, अप स्ट्रीम वेले दोहां दा -4 आ जूगा, तो 5:2 आ गया, तो टाइम किन्ना आ जूगा भी, 2/5 आ जू, टोटल हिस्से 7 7 हिस्से बराबर 7 घंटिया दे, 1 हिस्सा बराबर 1 घंटे दे, तो टाइम डाउन स्ट्रीम च किन्ना लग्या हो, 1 गुणा 2 2 घंटे, डिस्टेंस कि बराबर होंगे विलोसिटी डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम, विलोसिटी डाउन स्ट्रीम किन्नी सी 10 सी, टाइम किन्ना लग्या 2 घंटे लगे, तो 20 किलोमीटर आ गया, बस ठीक है भी। भाई इन्हें तुम इक्वेशन भी बना सकते हो जो पिछले उस चैप्टर च बनाई से आप, ठीक है, सेम ही चीज़ है, कोई नवी गल है नहीं, बना लोगे ना भी इक्वेशन वगैरह भी, जाए किवें बनाते थे आप पिछले चैप्टर से, भी डिस्टेंस मान लो एक्स है, जे एक्स डिस्टेंस है, हूँ जाने वेले उन्होंने समा लगेगा किन्ना, डाउन स्ट्रीम है तो 7 ते 3 10 की स्पीड से जाऊगा, इन्ना समा लगेगा उन्होंने जानते, तो वापस मुड़न से, वापस मुड़न से भी तो एक्स डिस्टेंस से ही कवर करेगा, पर अप स्ट्रीम हो जू, तो मतलब स्पीड किन्नी हो जू, 7 तो 3 4 हो जू, ये जान का समा, ये आन का समा, दोहें मैं जोड़दा, तो टोटल आन से जान का समा किन्ना, 7 घंटे, तो 7 के बराबर रखता, इतने की एक्स की वैल्यू आंसर होगा, ठीक है। पिछले वाले जिहड़े आपां करे 3 4 सवाल उन्हां च भी तुसीं इह लगा सकदे, इक्वेशन क्लीयर है भी। अनुराधा ने आंसर दित्ता 20 किलोमीटर, ठीक है अनुराधा, ओके। 6 नंबर सवाल ते चलदे आं, 6 नंबर सवाल,
कहिंदा इन ए स्ट्रीम रनिंग 2 किलोमीटर पर आर, स्ट्रीम कहा उन्हें मतलब वाई दी वैल्यू सानू देती 2 किलोमीटर पर आर। ए मोटरबोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन 55 मिनट। बई एक बोट गई किन्ना 10 किलोमीटर गई, गई तो वापस आ गई किन्ने टाइम विच 55 मिनट दे विच आन ते जान दा समा हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर विच मोटर बोट की स्पीड मतलब एक्स की वैल्यू सानू पूछ ली, ठीक है, कर दोगे ये इक्वेशन बनूगी। बई की करना तुसी, बई जान वेले जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो किन्ना कवर करूँ, 10 किलोमीटर कवर करूगा, है की करूँ एक्स प्लस वाई करूगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। वापिस आने वेले, वापिस आने वेले भी 10 किलोमीटर ही कवर करूँ, पर अप स्ट्रीम वेले की होगी स्पीड घट जाऊगी, एक्स माइनस वाई हो जाऊ, ठीक है। जान का समा आन का समा दोहे मैं जोड़दा तो टोटल समा कितना लगे 55 मिनट, तो 55 बटे मैं 60 उरे कर दिना घंटे च बनाना, ठीक है। वाई की वैल्यू सानू उरे दे रखी है तो वाई की वैल्यू उरे 2-2 कर दो, बस इन भी सोल्व करना आंसर है थोड़ा, जा उरे तुसीं चैक बाय ऑप्शन भी कर सकते हो थोड़ी इच्छा। 7 नंबर सवाल बस निबड़ गया चैप्टर च, कुछ रहा नहीं यार। 7 नंबर सवाल बी ए बी इक्वेशन वाली होगा। चलो कहना है मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। अच्छा, आल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 घंटे, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर, एक्स ते वाई दी वैल्यू सोनू पूछी है। दो सोनू इक्वेशन देती हैं, दो चीजा देती है, पहली लाइन बना लो भी, पहली लाइन इतों तक है। ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम किन्ने च कवर करया होगा, एक्स माइनस वाई नाल करया होगा ना, अप स्ट्रीम मतलब यही है, ठीक है। एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई की स्पीड नाल करया। ये जान का समा, यह आन का समा, दोहां का जोड़ किन्ना समा लग्या, 10 घंटे, 10 घंटे के बराबर रख लिया, पहली क्वेश्चन ये होगी, ठीक है। फिर अगली बार की कहता है, ही कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, लो भी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई नाल कवर करया, ते 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई करया। जानते आन का समा टोटल कितना लगे, 13 घंटे, तो बराबर 13 दे रख दो। हुण इहदे की दो इक्वेशन ने भी सानू सोल्व करनिया पैनगियां होर की, ठीक है। भी ये थोड़ा लेंथी जाऊगा सवाल, हाँ कोई चक्कर नहीं, होर कुछ आ रहा है नहीं भी, ठीक है। इहनू तुसीं इदां कर सकदे हो, उरे 10 है उरे 13, तो उरे बोथ साइड तुसीं 13 नाल गुणा कर दो, इधर बोथ साइड तुसीं 10 नाल गुणा कर दो, तो इधर 130-130 बराबर आ जाऊगा, दोहां नूं बराबर हिट लियो, ठीक है, ऐ कर सकदे हो। होर कुछ आ रहा है नहीं भी इहदा, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, होर कुछ नहीं। ओके भी सोल्व करना है तुसीं, ठीक है, ओके जी। 8 नंबर सवाल आ जाओ, कहिंदा ए बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। वाइल इट कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ करंट। वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब ये तो यार सेम सवाल ही है यार, भाई पिछले नाल दी सवाल है, इक्वेशन बनूगी, ठीक है जी। बस एक की फर्क है, पिछले वाले च एक्स ते वाई दोहां दी वैल्यू पूछ ली यार, कि कल्ली करंट दी वाई दी वैल्यू पूछ रहा है, सेम सवाल है भी, कोई फर्क नहीं, ठीक है। होमवर्क है थोड़ा, 9 नंबर सवाल ते आ जाओ, बस 9 ही 10 सवाल ने बस है। चलो कहिंदा रमेश कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, अच्छा, एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर। अच्छा, इफ द स्ट्रीम फ्लो एट 3 किलोमीटर पर आर, स्ट्रीम मतलब वाई की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर पर आर है, फाइंड द स्पीड ऑफ रमेश इन स्टिल वाटर मतलब एक्स की वैल्यू सू पुछी है, ठीक है। हुण पहली लाइन दे विच उहने भी टाइम की गल करती, कहिंदा रमेश कहिंदा रो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम मतलब टाइम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, किन्ना लगता है 6 घंटे, ते रिटर्न हुंदा मतलब अप स्ट्रीम वेले किन्ना समा लगता 9 घंटे, तो 9 लग गए, तो रेशो आ गई 3 दूनी 6 3 9, तो विलोसिटी डाउन स्ट्रीम ते विलोसिटी अप स्ट्रीम की हो जूगी, उल्ट हो जू 3/2 हो जू,
ठीक है फिर सुनो पता है वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू की होंगी एक्स प्लस वाई होंगी है, अप स्ट्रीम की होंगी एक्स माइनस वाई होंगी है बराबर 3:2 दे। ठीक है तो सुनो इतने वाई की वैल्यू सुनो पता कि 3 है, तुम उ 3 भर दो बस एक्स की वैल्यू आ गया 2x 6 3x थी उठी 9x 9 6 15 x की वैल्यू 15 आ गई 15 किलोमीटर पर आर आ गया। ठीक है सिंपल है 10 नंबर कहना इन द एग्जांपल 9 अबव स्पीड ऑफ फॉर्मेशन स्टिल वाटर 12 फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फिर ये तो वही गल कहता ये पता करो भी दसो मैं फटाफट कहना पिछले सवाल दे विच ही जे स्टिल वाटर मतलब x की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आर है तो स्ट्रीम वाई की वैल्यू मैं पता करके दो कर दोगे जल्दी मैं पता करके दो वैल्यू बाकी सारा सवाल उही है भी पुराना सवाल की सीगा 6 घंटे लगते डाउन स्ट्रीम दे विच ते अप स्ट्रीम दे विच 9 घंटे लगते करके दिखाओ सवाल जल्दी फटाफट आंसर दो मैनू सुमित कहने करवा दो। अच्छा कोई गल नहीं सुमित करा दें देखो समेत सारा सवाल उही है। ठीक है पिछले सवाल चाह चुका भी डाउन स्ट्रीम जाने वेले 6 घंटे लगते अप स्ट्रीम जाने वेले 9 घंटे लगते लो भी वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं टाइम डाउन स्ट्रीम तो टाइम अप स्ट्रीम कि हो गया भी डाउन स्ट्रीम का टाइम 6 है अप स्ट्रीम का 9 है तो 3 × 6 = 9। ठीक है तो ये मैं वेलोसिटी की रेशो कर सकता है कि आजगी उल्ट आजगी तो वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम की होंगी है एक्स प्लस वाई होंगी तो अप स्ट्रीम कि होंगी है एक्स माइनस वाई होंगी है। ओके तो एक्स की वैल्यू सूँ एर की देती 12 इतने बस एक्स की जगह 12 भर दो बस क्रॉस करोगे भी वैल्यू आजगी। ठीक है समित हूँ ठीक है 12 × 24 2y 12 × 36 3y ओके सर हाँ जी ठीक है समित 5y इधर आ जाऊ इधर 36 × 24 घट जूगा है ना 36 × 24 भाग जूगा ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂ 2 × 12 12/5 ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12/5 ਆ ਜੂਗੀ ਬਸ। ਓਕੇ ਸੁਮਿਤ ਬਈ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ।